हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मैक थीम में। दोस्तों, इस वैलेंटाइन डे पर कुछ लड़कों ने ऐसा स्टेटस डाला जिसे पढ़कर मुझे अपने समाज की सोच पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। लिखा था, एक टेडी और कुछ चॉकलेट के लालच में आज बेटी अपने माँ बाप की इज्जत बेच देगी। यह पढ़कर मुझे महसूस हुआ, क्या यह सच है कि एक बेटी इज्जत बेचती है? क्या हकीकत है ये, या फिर कोई इसे बिकाऊ मानकर खरीदने निकलता है? एक लड़का एक टेडी और कुछ चॉकलेट के साथ आई लव यू कहकर लड़की को प्रपोज करता है और जीवन भर साथ देने का वादा करता है, इसलिए लड़की उस वादे पर खुद को उसे सौंप देती है? या फिर लड़की गलती कर रही है उसके वादे पर यकीन कर, या वो लड़का उसके यकीन को तोड़कर गुनाह कर रहा है? खैर, जवाब मुझे पता है, सारी गलतियां लड़कियों की होती है, लड़के तो हमेशा शरीफ होते हैं। अगर लड़की लड़के की बेवफाई के बारे में माता पिता को कुछ बताए तो लड़के को कोई डर नहीं, क्योंकि माता पिता खुद की बेटी को समझाएंगे, भूल जा जो हुआ। अगर किसी को बताया तो बदनामी होगी अपनी, क्योंकि सारी गलतियां लड़कियों की होती है, लड़के तो बहुत शरीफ होते हैं। लड़कों को यह पता होता है कि लड़की के माँ बाप ही उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि शादी के पहले का प्यार गलत होता है, तो लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक गर्लफ्रेंड बनाए या चार। यहाँ तक कि लड़कों की शादी के बाद भी चार चार अफेयर रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ की ये बातें मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जहाँ मैरिड मैन मैसेज करके अफेयर और फ्लर्टिंग करते हुए पाए जाते हैं, पर हम लड़कियाँ इस बारे में बताएं किसे? एक बार माता पिता, रिश्तेदार और समाज के लोग लड़कियों की बात को सुनकर तो देखो। आज 60% लड़के बेवफा निकलेंगे, लड़कियों की सुनने वाला कोई नहीं है। और तो और, शादी के बाद भी वाइफ को धोखा। एक बार अपनी बेटी और बहू की सुनकर देखो। कोई भी लड़की खुद को बेचती नहीं है, किसी के वादों पर यकीन कर खुद की इज्जत किसी को सौंपती है, जो सरे बाजार उसे नीलाम कर देता है। पर फिर भी मैं बस यही कह सकती हूँ, सारी गलतियाँ तो लड़कियों की होती है, लड़के तो शरीफ होते हैं।